सोलन में निजी बस ऑपरेटर अपनी बसें चलाने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। शुलनी प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष रघुविंदर मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी बसें काफी समय से खड़ी हैं, जिसके चलते अब सभी की माली हालत खराब होती जा रही है। बैंकों के लोन चुकाने मुश्किल हो चुके हैं। चालक परिचालकों को घर चलाना चुनौतीपूर्ण हो चुका है, लेकिन प्रदेश सरकार उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक वे बसों को चलाने में असमर्थ हैं। सरकारी बसों से ज्यादा हिमाचल में निजी बसें चलती हैं और एक माह में करोड़ों रुपए का राजस्व निजी बसें सरकार को देती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मांगों पर प्रदेश सरकार कोई गौर नहीं कर रही है। शुलनी प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष रघुविंदर मेहता ने जानकारी देते हुए कहा कि डीजल के रेट आसमान छू रहे हैं और प्रदेश सरकार कह रही है कि पुरानी दरों पर निजी बसें चलाई जाएं, लेकिन निजी बस संचालकों के लिए ये मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि जब पड़ोसी राज्यों की सरकारों ने किराए में बढ़ोतरी कर दी है, तो हिमाचल सरकार को भी किराए में बढ़ोतरी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी बसें 4 महीनों से खड़ी हैं, आय के स्रोत बंद हो चुके हैं, लेकिन प्रदेश सरकार उनके प्रति अभी भी उदासहीन रवैया अपनाए हुए है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार के आदेशों पर निजी बस संचालकों द्वारा ट्रायल के तौर पर कुछ बसें चलाई थी, लेकिन वे भी घाटे के कारण बंद करनी पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अब 100% कैपेसिटी पर बसों को चलाने की अनुमति दे दी है, साथ में एक शर्त लगाई है कि बस में सोशल डिस्टेंसिंग भी रखी जाए। इसलिए उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि 100% पर कैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो सकती है। इसलिए प्रदेश सरकार को अपने आदेशों पर पुनर्विचार करना चाहिए, निजी बस संचालकों की मांगों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेना चाहिए। 3300 निजी बस ऑपरेटर है और ये एक ऐसी फ्लीट है जो हिमाचल का पथ परिवहन निगम के पास 3100 बसें हैं, उनसे भी बड़ी फ्लीट है। हिमाचल का निजी बस ऑपरेटर प्रदेश सरकार को एक महीने में 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा का टैक्स के रूप में पैसा देता है, और आज स्थिति ये आ गई है कि हिमाचल सरकार की ओर से हिमाचल के निजी बस ऑपरेटर्स की अनदेखी की जा रही है। अगर हम बात करें कि हिमाचल सरकार ने हमें निजी बस ऑपरेटर्स के लिए ये कहा कि आप 60% ऑक्यूपेंसी पे गाड़ियों को चलाएं, तो हिमाचल के निजी बस ऑपरेटर्स ने सरकार के आदेश को मानते हुए कुछ एक बस ऑपरेटर्स ने ट्रायल के रूप में गाड़ियों को चलाया, लेकिन हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि ये संभव नहीं है कि 60% ऑक्यूपेंसी पे गाड़ियों को चलाया जाए और इससे जो है हमारा खर्चा भी पूरा नहीं होगा, तो अधिकतर उन लोगों ने भी अपनी बसों को खड़ा कर दिया। अब हम बात करें कि सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने ये कहा, और हमारे जो परिवहन मंत्री जी हैं श्री गोविंद ठाकुर जी, उन्होंने ये कहा कि हम इसको रिलैक्स कर देंगे, 60% ऑक्यूपेंसी की जगह आप को हम 100% ऑक्यूपेंसी अलाउ कर देंगे। अब मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूँ कि आज ही प्रदेश सरकार ने इस पे नोटिफिकेशन की है और जो 60% ऑक्यूपेंसी है उसमें रिलैक्सेशन दी है। रिलैक्सेशन तो दे दी गई, लेकिन उसमें साथ में ये भी कंडीशन लगाई गई है कि आप जो है उचित दूरी बना के लोगों को बिठाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि जब एक सीट पे 2 लोग बैठेंगे तो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहेगी, ये बड़ी ताजुब की बात है कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखी जाएगी गाड़ियों में। और माननीय मुख्यमंत्री ने खुद इस बात को माना है कि हिमाचल का निजी बस ऑपरेटर इस समय दिक्कत में है, हमारे परिवहन मंत्री जी ने भी माना है, लेकिन सरकार पता नहीं किस लिए किराया नहीं बढ़ा पा रही। उन्हें ये लगता है कि इससे जनता नाराज हो जाएगी। हम सरकार के ध्यान में एक बात लाना चाहते हैं कि इस समय अगर आप देखें तो डीजल के दाम इतने अधिक बढ़ गए हैं कि हमें गाड़ियों को चलाना बहुत मुश्किल है। आप अपने, अगर हम हिमाचल के आसपास के राज्यों की बात करें, हम उत्तराखंड की बात करें, हम जम्मू और कश्मीर की बात करें, वहाँ पर भी जो किराए हैं वो सरकारों ने बढ़ाए हैं, क्योंकि ये परिस्थिति की मांग है। हम इस समय जो हमारा हिमाचल का निजी बस ऑपरेटर खड़ा है, वो इसलिए नहीं खड़ा कि हम जो है
प्रदेश सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं या हिमाचल की आम जनता को परेशान करना चाहते हैं? हिमाचल का निजी बस ऑपरेटर मजबूरी में खड़ा हो गया है क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है कि वो इस समय क्या करे।